वृंदावन में मथुरा मार्ग स्थित आर के मिशन अस्पताल के समीप सड़क किनारे अर्धनग्न अवस्था में अधेड़ उम्र की अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। धर्म नगरी में शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे आर के मिशन अस्पताल के समीप सड़क किनारे झाड़ियों के नीचे अर्धनग्न अवस्था में करीब 55 वर्षीय महिला की लाश पड़ी मिली। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतका के शरीर के ऊपरी हिस्सा यानी गर्दन से नीचे आपत्तिजनक स्थिति में था। महिला की लाश देखकर उसके साथ दुष्कर्म होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल महिला की नेचुरल मौत है या फिर उसकी हत्या की गई, इन सारे सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही मिल पाएंगे। इधर सूचना लगते ही मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी सूरज प्रकाश शर्मा ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नथु सिंह कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ। बाबा अभी अभी यहाँ एक लाश पाई गई है महिला की, क्या कहेंगे आप? हमने तो कभी देखा नहीं था भैया जी। अच्छा, ना कभी देखा हमने तो, आज देखी। पुलिस आई जब हमने पता लगाया, हमको तो कोई पता नहीं है। पुलिस आई थी? हाँ। अच्छा, क्या उम्र रही होगी महिला की? महिला की उम्र 55 के आसपास थी। अब पुलिस ले गई? ले गई। तो ये कभी पहले यहाँ रही थी क्या? नहीं, कभी नहीं रही है, हमने देखा है, आज ही देखा है हमने। जब पुलिस लेके गई है जब हमने देखा। तो ये क्या भिक्षुक प्रवृत्ति की लग रही थी कि घरेलू महिला? घरेलू तो नहीं थी, कोई मेला भेला देखने आई होगी, यहाँ सो गई होगी। अच्छा। हाँ,